मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिखाई राम के प्रति आस्था। करोड़ों रुपए की लागत से सज रही राजा राम की नगरी ओरछा। चुनाव से पहले राम वन गमन पथ पर वचन दे चुकी कमलनाथ सरकार अब भगवान राजा राम की तीर्थ नगरी ओरछा को करोड़ों की लागत से विकसित करने का कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा एक छोटा सा शहर है। यह शहर अपने भव्य मंदिरों और किलों के कारण विश्व विख्यात है। यहाँ के भव्य मंदिरों और किलों को देखने हर रोज हजारों की तादाद में पर्यटक पहुँचते हैं। भव्य किलों और मंदिरों के अलावा ओरछा की एक और जगह है जो इसे पर्यटकों के बीच अनूठी जगह बनाती है और वह है राजा राम मंदिर। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ओरछा में राम राजा के रूप में विराजते हैं। आरती में राजसी वैभव के साथ उन्हें पहरे पर खड़े सिपाही सशस्त्र सलामी देते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के अलावा महल के किनारे से बहती बेतवा नदी इसे जीवंत बना देती है। ओरछा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से सरकार 6 मार्च से 8 मार्च तक ओरछा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। नमस्ते ओरछा महोत्सव से पहले राम राजा की नगरी नरंग में रंग रही है। सरकार ने ओरछा की अहमियत को पहली बार न सिर्फ इतनी गंभीरता से समझा है बल्कि इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए हैं। ओरछा की ऐतिहासिक स्मारक राजा महल, जहांगीर महल, लक्ष्मी मंदिर एवं बेतवा नदी के किनारे स्थित बुंदेला राजाओं की छतरियों सहित अन्य ऐतिहासिक इमारतों को साफ सफाई के साथ सुधार कार कर इन्हें दर्शनीय बनाया जा रहा है। पिंक सिटी जयपुर की तर्ज पर ओरछा के हर मकान, दुकान और होटल को क्रीम रंग में रंगा जा रहा है। यही नहीं, दुकानों के बोर्ड भी एक जैसे हों इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। ओरछा की सड़कों के साथ ही उद्यानों को भी खूबसूरत बनाया जा रहा है। महोत्सव के तहत अपने अंदर समृद्ध प्राचीन इतिहास को समेटे ओरछा के सौंदर्य को विश्व पटल पर लाने के लिए कमलनाथ सरकार भरसक प्रयास कर रही है। ओरछा से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ राम पवार की रिपोर्ट।